शेर को देखा है कभी? शेर की वॉइस देखी है नहीं, कितनी कॉन्फिडेंट वॉइस होती है, लाइक दिस। और ये इन एक्सरसाइज को करने के बाद तुम्हारी वॉइस में बहुत ज़्यादा अंतर दिखेगा, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगेगी, ओके। बट उसके बाद कॉन्फिडेंट वॉइस के लिए एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है। हेलो गाइज, नमस्कार, कैसे हैं? मस्त, मज़े में, सब बढ़िया। आज की जो वीडियो है उसमें मैं बताने वाला हूँ कुछ वॉइस के लिए एक्सरसाइजेस, स्टैमरिंग के लिए एक्सरसाइजेस, सिंगिंग के लिए एक्सरसाइजेस, जिसकी भी प्रॉब्लम है सिंगिंग में, वॉइस में, या फिर जिनको लगता है कि मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा ख़राब है, या कह सकते हो कि उनको अपनी वॉइस पसंद नहीं आती है मेरे भाई, तो ये एक्सरसाइजेस करने के बाद डेफिनेटली उनको अपनी वॉइस पसंद आएगी, ठीक है। और इसका असर डेफिनेटली एक दो दिन में या फिर 4-5 दिन में ये दिखने लग जाएगा तुम्हें, सही है। इन एक्सरसाइज को करने के बाद तुम्हारी वॉइस खुद ब खुद कॉन्फिडेंट लगने लगती है, एंड तुम्हें लगने लगता है कि भाई हाँ, मैं अब बोल सकता हूँ, बहुत प्यार से बोल सकता हूँ मेरे भाई, समझ रहे हो। तो इन एक्सरसाइज को करना, रोज़ एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो, ओके। उससे पहले मुझे एक बात करनी है कि कल मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहा था, तो मैंने एक पोस्ट किया था कि यार, आई एम फीलिंग वेरी मच सैड एंड शुड आई कंटिन्यू और क्लोज दिस चैनल लाइक दिस। सो इस तरह का मैंने पोस्ट किया था, बहुत सारी चीज़ें लिखी थी कि मुझे फेमस नहीं होना है एंड और जो भी, मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी यार, बट मैंने उसको रिमूव कर दिया। अब क्यों? क्योंकि यार एक होता है ना यार कि यार नहीं, मैं कर सकता हूँ, मतलब ट्राई कर सकता हूँ जस्ट। एंड एक और मैसेज देना है इसके थ्रू कि कभी भी नेगेटिव फील करते हो लाइफ में, रियल लाइफ में, ये तो मैंने जस्ट यूट्यूब में शो किया था तुम्हें पोस्ट के थ्रू, बट अगर रियल लाइफ में कोई भी नेगेटिव फील करता है तो लोगों को शो मत होने दो। लाइक तुम्हारे दोस्त हैं, उनके साथ कॉल करते हो, उनको कॉल करके बताते हो कि यार कैसा चल रहा है भाई, क्या कर रहा है, लाइक दिस। या फिर तुम अपने रिश्तेदारों को बताते हो कि यार मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहा हूँ यार, क्या करूँ बताओ यार, प्लीज, लाइक दिस, मैं डिमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा हूँ। उसके बाद तुम लोगों को मैसेज करने लगते हो, तो इस तरह का काम करना बंद करो। क्योंकि ना, अगर तुमने शेयर करना है सैड फील कर रहा हूँ, डिमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, अगर तुम्हें शेयर करना है तो वो केवल अपने घर वालों के साथ शेयर करो, अपने मम्मी पापा भाई बहन, क्योंकि वो डेफिनेटली एक्चुअल में तुम्हारे लिए चाहते हैं कि यार अगर ये डिमोटिवेट फील कर रहा है तो मैं डेफिनेटली इसकी हेल्प करूँगा, मेंटली हेल्प करूँगा। मेंटली हेल्प कभी भी चाहिए हो तो सीधे अपने घर वालों के पास जाओ, मम्मी पापा भाई बहन, वो डेफिनेटली तुम्हारी हेल्प करेंगे, ओके। और अगर तुम घर वालों से शेयर करते हो तो डेफिनेटली वो लोग तुमसे मजे लेने वाले हैं, केवल उनको फ़र्क नहीं पड़ता तुम कैसा भी फील कर रहे हो मेरे भाई। इसलिए जब भी डिमोटिवेट की फील करते हो तो उसको अंदर से खुद पे कंट्रोल रखो, अंदर ही अंदर सोचो कि भाई मैंने क्या गलती की है, उसको सुधारने का ट्राई करो, और घर वालों के साथ शेयर कर सकते हो करो, वरना बाहर वालों के साथ शेयर करना बंद करो, क्योंकि वो लोग केवल जस्ट मज़े लेते हैं तुमसे, जो रियल में सोचता है तुम्हारे लिए केवल घर वाले हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं तुम्हारे लिए एक्सरसाइज लेके आया हूँ कुछ, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है तुम्हारे लिए, और ये सारी एक्सरसाइज मेरी फेवरेट एक्सरसाइज हैं, जो कि मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा बचपन से करता था, जब मैं क्लास में पढ़ता था, ठीक है, 9th 10th में पढ़ता था, तो मुझे लगता था कि यार बोलने में मुझे दिक्कत है, मेरी आवाज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो मैं इन एक्सरसाइज को करके डेफिनेटली मुझे लगता था कि यार हाँ यार, अब मुझे फील अच्छा हो रहा है, मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा स्लो एंड लो। एंड इसके बाद एक और चीज़ बताऊंगा एंड में कि क्या तुम्हें करना चाहिए अच्छे से बात करने के लिए, प्यार से बात करने के लिए, रियल में अच्छा बात करने के लिए, ओके। जो पहली एक्सरसाइज है वो कौन सी है? उज्जायी प्राणायाम। उज्जायी प्राणायाम कैसे करते हैं उसका स्टेप बताता हूँ तुम्हें। पहला जो स्टेप है वो लाइक दिस, उसको सांस लेनी पड़ती है तुम्हें। दूसरा स्टेप है सांस पूरी छोड़ दो। तीसरा स्टेप है ये गले को पूरा टाइट करके पीछे को करना है, लाइक दिस। देन चौथा स्टेप है आवाज निकालनी है, वो पीछे को निकालनी है, लाइक दिस। इससे बहुत ज़्यादा खांसी होती है, लेकिन एक्चुअल में पता है ये तुम्हारी वॉइस को कॉन्फिडेंट बनाता है। अगर तुम्हारी वॉइस में प्रॉब्लम है, इससे बहुत सारी गले की बीमारियाँ भी सही होती हैं, तो इस एक्सरसाइज को रोज़ करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। मिनिमम 2 या 3 बार कर लो, काफ़ी है, बहुत तगड़ी एक्सरसाइज है ये। उसको कैसे करते हैं, एक और बार करूँगा, लाइक दिस।
थोड़ी देर तक सांस रोक के आराम से नॉर्मल स्थिति में आना है, ओके। उसके बाद दूसरी जो एक्सरसाइज है वो भी मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, इसको मैं रोज़ करता हूँ, करता था, अभी भी करता हूँ। जब भी मुझे लगता है कि यार मेरी वॉइस में प्रॉब्लम हो रही है, यार अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वॉइस बहुत ज़्यादा हल्की है या फिर तुम्हारे गले में बहुत ज़्यादा खराश है, ठीक है, तो डेफिनेटली इस एक्सरसाइज को करने के बाद तुम्हारी वॉइस बहुत अच्छे तरीके से सही होगी। उसके लिए क्या करना पड़ता है, इस पोजीशन में बैठना पड़ता है, ठीक है, जैसा दिखाया गया है। उस पोजीशन में बैठने के बाद अपने हाथों को ऐसे करके करना है, एंड ऐसा करने के बाद सांस लेनी है पीछे को जीभ निकालते हुए, और इस आसन को कहते हैं सिंहासन। शेर को देखा है कभी, शेर की वॉइस देखिए कितनी कॉन्फिडेंट वॉइस होती है, लाइक दिस। सो इस तरह की वॉइस निकालना स्टार्ट कर देना तो डेफिनेटली तुम्हारी वॉइस में अच्छा अंतर दिखेगा, ओके। कैसे करते हैं देखते हैं, पहले सांस लेनी है जीभ निकालते हुए, देन आवाज निकालनी है कैसे, तो ये एक्सरसाइज जो होती है इससे तुम्हारी वॉइस बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगेगी। तो इस एक्सरसाइज को कितनी बार करना है, मिनिमम 5 बार करो, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसको 5 बार करना है, रोज़ करना है, ओके। देन तीसरी जो एक्सरसाइज होती है वो होता है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में तुम्हें कान बंद करके लाइक दिस, इससे कान बंद करने हैं और आँख इससे बंद करनी है, एंड देन करके उसको कहते हैं बी, मधुमक्खी वाला आसन करना है। मधुमक्खी की आवाज़ देखिए कितनी कॉन्फिडेंट होती है, बिल्कुल तुम्हारी वॉइस में वाइब्रेशन शुरू होता है इसके बाद, ओके। तो इसको स्टार्ट करते हैं, पांच बार करने के बाद, 5 या 10 बार करने के बाद, फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद तुमने अपने हाथों में ऐसे करना है, एंड उसके बाद अपने हाथों में मलना है, मलने के बाद अपनी आंखों में ऐसे लगाना है। इससे क्या होता है, क्योंकि आँख बंद करने के बाद जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी आंखों में, जब खोलते हो तो तुम्हारी आंखों में बहुत ज़्यादा धुंधला फील होता है, इसलिए धुंधला फील ना हो इसलिए तुम्हें क्या करना पड़ता है, लाइक दिस एंड देन दिस, ओके। आज की 3 एक्सरसाइज हैं, जस्ट इतनी एक्सरसाइज हैं, और इनको रोज़ करो, और ये इन एक्सरसाइज को करने के बाद तुम्हारी वॉइस में बहुत ज़्यादा अंतर दिखेगा, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगेगी, ओके। बट उसके बाद कॉन्फिडेंट वॉइस के लिए एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि साफ बोलना, क्लियर बोलना। अगर तुम्हें स्टैमरिंग प्रॉब्लम भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जो भी वर्ड बोलते हो उसको साफ बोलो, क्लियर बोलो। और किसके साथ बोलना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली क्लियर बोलना है, साफ बोलना है, स्टैमरिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई। सो क्लियर बोलना स्टार्ट करो, स्टैमरिंग है कोई दिक्कत नहीं है, जो भी बोलते हो हल्के हल्के बोलो, साफ बोलो, बस हमारा मेन मकसद है साफ बोलना, अगले इंसान को क्लियर समझ में आना चाहिए, बिल्कुल एनर्जी के साथ बोलना स्टार्ट करो, बस इतना ही है। अगर तुम्हें साफ बोलना स्टार्ट करना है तो एनर्जी के साथ बोलना, क्लियर स्टार्ट बोलना स्टार्ट कर दो, ओके। सो आज की वीडियो इतनी थी, और मैं डेफिनेटली चाहता हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो कुछ तगड़ा करें बड़ा, और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी सोचें हैं, वो चेंज करनी है, इसलिए प्लीज़ हेल्प मी एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सब्सक्राइब करना, क्योंकि मुझे फेमस नहीं होना है मेरे भाई, एंड सब्सक्राइब वाली कोई चीज़ नहीं होती तो मैं डेफिनेटली कभी बोलता नहीं लाइफ में कि सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को।